क्लेवर बॉय,
बॉय इन द क्लास। ठीक है, अब आ गया बेटे समझ में? यहाँ देखो ये बिल्कुल सिंपल है, इसलिए इसका नाम पॉजिटिव सिंपल बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सेकेंड है कंपैरेटिव। मैंने बताया था कि ईआर मिलेगा, ईआर है, और फिर मैंने कहा था देन भी मिलेगा, इसमें देन भी है। कौन सी डिग्री हुई? कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट है, फिर मैंने बोला थर्ड में सुपरलेटिव में ईएसटी आएगा बेटा एडजेक्टिव के साथ, ईएसटी भी है और एडजेक्टिव से पहले दा भी मिलेगा आपको, दा भी है। ठीक है बेटा, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें ईआर ईएसटी का यूज नहीं होता है, उनमें मोर या मोस्ट का होता है। देखो मोर और मोस्ट बोलने से ही पता चल रहा है ना, ये मोस्ट ईएसटी की कमी को पूरा कर रहा है, मोर ईआर की कमी को पूरा कर रहा है। ठीक है बेटा, कुछ ही होते हैं ऐसे एडजेक्टिव, जैसे कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर होता है क्या कभी? इंटेलिजेंट के साथ अगर हम ईआर लगा दें तो इंटेलिजेंटर हो जाएगा, नहीं ना, उस वर्ड का कोई सेंस ही नहीं बनता बेटा, उसमें आता मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं मैं आपको, दो एडजेक्टिव है गुड और बैड, ये बेटा बिल्कुल ही डिफरेंट है। गुड बेटर बेस्ट, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, ईआर आ रहा है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है, ईएसटी का साउंड आ रहा है। ठीक है बेटा, और बैड की वर्स, डब्ल्यू ओ आर एस ई, और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट, डब्ल्यू ओ आर एस टी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में बेटा डिग्री से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी हुई है जो आपको खुद फिल करनी है। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज इतनी इजी है कि बहुत ज्यादा इजी है, उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, गुड का ही दिया है, गुड एग्जांपल लिखकर और फिर ब्लैंक दे दिया आपको, उसकी बाकी की डिग्री फिल करो। सो वो आप कर सकते हो, बहुत इजी है बेटा, वो आपको करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।